गाइस तो फिलहाल हम महलों पे मतलब बजरिया में एंटर हो ही गए हैं और हम फिलहाल जा रहे हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी डिसाइड ही नहीं किया अभी हमने, क्योंकि भाई भी बोल रहे थे, मैंने बोला बस चल दो। हाँ क्या सही बात है। ओके तो गाइस फिलहाल हमें कहाँ पे हम माँ खेरेव की देवी चाट भंडार, और हम लोग निकले थे घर से काफ़ी देर पहले। अभी हम लोग को थोड़ा लेट निकले एक्चुअली, एक तो अभी कोरोना का काल है और हम लोग थोड़ा लेट भी निकले। कितने 8:30 बजे निकले, तो घूम फिर रहे थे। हाँ निकले हमने 8:30 तो अभी बजे हैं, निकले थे 7 बजे निकले थे। तो अभी हम लोग घूम रहे थे, कुछ मिले और हम लोग को आगे मिला था, मतलब खड़े हनुमान जी वहाँ पे हैं, वहाँ पे मिला था एक ठेला। तो वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि समझ रहे हैं आप। अभी फ़िलहाल उन्होंने बोला कि मेरे बड़े भैया के यहाँ पे एक और है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं माँ खेरे की देवी चाट भंडार। तो अभी यहाँ पे हमने चाट ऑर्डर कर दी है। गाइस एक मिनट लगेगा, क्योंकि रात का समय आप देख सकते हैं थोड़ा कम भीड़ है। तो बस एक मिनट में हम बिल्कुल चाट खाने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा है यहाँ का, क्योंकि फ़िलहाल हमें डाक खाने पे, और यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हैं। आप देख सकते हैं अंकल जी बिल्कुल व्यवस्था बना रहे हैं हमारी चाट की, क्योंकि अभी अपन खाएंगे चाट यहाँ की डाक खाने की। आप देख सकते हैं सामने डाक खाना मिल जाए, दिख जाएगा, यहाँ से नहीं दिख रहा है। ओके कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसी हमारी चाट तैयार होती मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी चाट आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें बेहतरीन तरीके से मटर ऊपर से प्याज और हरी मिर्च मैंने बोला था स्पेशली डालने के लिए। तो देख सकते हैं आप हरी मिर्च, क्योंकि आज मेरा हरी मिर्च खाने का बड़ा मूड था। तो गाइज अभी अपन खाएंगे, क्योंकि सौरभ भाई ने बोला है कि बढ़िया है, काफ़ी तीखी है। और यहाँ की चाट मैं थोड़ा सा खा चुका हूँ, अभी मैं थोड़ा और खा के बता दूँ आपको कि कैसा प्रॉपर टेस्ट यहाँ का बन रहा है। तो रुकना एक सेकंड, वैसे हरी मिर्च इसमें बहुत आ रही है, मैं कम करूँगा थोड़ा सा। डाकखंड में बुंदेलखंड में चाट, इधर आओ सौरभ बैठो बगल में, तुम्हें बताओ बुंदेलखंड की चाट ना भाई सबसे प्यारी लगती है। भोपाल वोपाल में तो मिलती तक नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है यार बुंदेलखंड की। अगर चाट खाना है तो बुंदेलखंड में आके खाइए, मैं पुरानी वीडियो में भी एक बार दोहरा चुका हूँ आपको। गाइस बढ़िया एक नंबर टेस्ट है। अभी और मैं इसको फिनिश कर दूँ, उसके बाद थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या है यहाँ पे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसका टेस्ट बढ़ा रही है। डिफरेंट भोपाल और सब, भोपाल में तो चाट बनाना आता नहीं, भोपाल इंदौर में, बुंदेलखंड में से मैं बोलूँगा यहाँ पे बढ़िया। बहुत तेज मिलती है यार, मुझे लगता है ज़्यादा मिलती होगी। हाँ मीठी वाली, अच्छा हाँ मैं लगा और बोल रहा है कि मिट्टी और ज़्यादा मिट्टी नहीं मिली है, बढ़िया एक नंबर चाट। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि अगर आपको चाट खाना है तो बुंदेलखंड की कहिए, कहीं भी यहाँ की बढ़िया। खैर ये तो डाक खाने के मेन डाक खाने पे तो यहाँ की चाट तो बढ़िया रहती है। बाकी हमने खाया, मिर्ची थोड़ा तेज़ थी, मैंने अंग्रेजी से बोला क्योंकि मैंने पहले बोला था मिर्ची डाल दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा हो गई। तो ओके अभी बगल में हम अभी देखते हैं, कुछ व्यवस्था होगी तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि मिर्ची ख़त्म हो जाए मतलब मुँह में मेरा। उसके बाद अभी सौरभ भाई फुल्की खाने की बोल रहे हैं, तो अपन लोग उसको भी खाने के मूड से हैं, क्योंकि देखो भाई, क्योंकि सौरभ भाई क्या बताऊँ अब मैं, ठीक है। मटर है ना, मटर यहाँ की बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, और जो इन्होंने इसमें क्या डाला था, चटनी किस चीज़ की थी, मीठी और खट्टी दोनों थोड़ा थोड़ा मिलाई थी, बढ़िया बढ़िया टेस्ट बन रहा था। बाकी ऊपर से थोड़ा इन्होंने जो फुल्की है उसके टुकड़े डाले थे, तो वो और प्यारे टेस्ट बना रहे थे। और जो प्याज है बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो प्रेफर करूँगा जो मेरे दोस्त हैं, कि आप कहीं भी हो डाकखाने के आसपास हो तो थोड़ा कष्ट करके यहाँ आओ और खाओ खैरी की देवी चाट भंडार, बढ़िया। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल मटेरियल ख़त्म ही हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर भी भीड़ मची हुई है, लड़के लड़कियाँ बराबर यहाँ पे फुल्की उल्की खाते हैं। तो आप उसको समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड है इस चीज़ की यहाँ पे। आपने देखा कि मैंने तो कितने प्यार कितने शानदार तरीके से खाने की कोशिश की है। खैर बस यहाँ पे लोग के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बगल में डस्टबिन रखा है, लेकिन और उसके जस्ट बगल में लोग कचड़ा, नहीं नहीं बड़ा वाला नहीं है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है घूम फिर के, तो गाइस आपने यहाँ पे खा लिया लेकिन डस्टबिन रखे होने के बावजूद भी उसके बगल में कचड़ा डाल रहे हैं, गलत बात है। बहुत अच्छा बताया भाई, अरे यार बेइज्जती नहीं करो, वीडियो में सब लोग देखते हैं, नहीं एक गलत बात है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या बची हुई है? तो अभी अपन लोग खाएंगे, क्योंकि मटर बेहतरीन की फुल्की बची हुई है,
तो अभी हम खाएंगे मटर, ओ हम लोग फुल्की खाएंगे, मतलब सौरभ भाई की डिमांड है फुल्की, तो हम खाएंगे फुल्की, तो बना दीजिए अंकल जी। बस देख सकते हैं गाइस हम लोग थोड़ा लेट हैं यार, आज बहुत घूम लिया। बेहतरीन मटर है और उसका जो पानी है बहुत बेहतरीन, और प्याज है, इसमें प्याज को डाल के मैं खाऊंगा तो बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, हाँ डालो कि मैं खाऊंगा इसको, डालो। भाई क्या कहना चाहोगे फुल्की के बारे में? बताते हैं फ्रेंड्स लोगों के लिए भी बोल दो फुल्की के लिए। सब्र का फल चॉकलेट ही होता था, यहाँ तो यार तीखा हो रहा है। भाई काउंट कर रहा है यार, नहीं भाई काउंट कर रहा है यार, अंकल ने एक एस्ट्रप ला दिया आज। गाइस ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है, सूखी वाली मुझे बहुत प्यारी लगती है। बुंदेलखंड की रसम अंकल, सूखी पापड़ी देना। मज़ा आ गया, हमने पहले चाट खाई उसके बाद फुल्की पी, बढ़िया गोलगप्पे बोलते हैं, मज़ा आ गया। उसके बाद जो लास्ट में जो सूखी वाली रहती है वो बहुत प्यारी थी, वो मेरा फेवरेट पार्ट रहता है, क्योंकि उससे हाँ क्योंकि मिर्ची उर्ची लगती है तो वो खा लो तो सब बराबर हो जाता है। बुंदेलखंड की रिवाज है, रिवाज तो है, बाहर भी मिलती है, ऐसा नहीं है? नहीं मिलती है, बुंदेलखंड वाले लोगों ने फैलाई। अच्छा ऐसा, ओके ओके भाई ओके, घाम लगे ना ठंडी, जय हो बुंदेलखंडी। तो गाइज फिर यहाँ पे आए अंकल जी खैरे के देवी चाट भंडार बेहतरीन डाक खाने पे, और आके यहाँ इन्जॉय करें, अंकल जी का नेचर बहुत प्यारा है, अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर सको तो। तो गाइज अपन चलते हैं यहाँ से, और ये वीडियो आपको कैसी लगी थैंक यू सो मच, और लाइक कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।